Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the poem Ozymandias by Percy. Now the important question answers. What is a sonnet? Sonnet kise kehte hain? And how does P.B. Shelley develop the main thoughts in the sonnet? Kis tarike se P.B. Shelley ne sonnet mein main thoughts ko shamil kiya hai? A sonnet is a poem. सोनेट एक पोएम होती है ऑफ 14 लाइंस जिसमें 14 लाइनें होती हैं विद अ स्ट्रक्चर राइम स्कीम जिसमें एक स्ट्रक्चर राइम स्कीम रहती है. ईच लाइन कंटेन 10 सिलेबल्स हर एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल्स मौजूद होते हैं. द सिंगल आइडिया रन थ्रू आउट द पोएम और पूरी पोएम के अंदर एक ही आइडिया होता है. द आइडिया इज दैट ऑल पावर पेल्फ ग्लोरी एंड ग्रैंडियर आर शॉर्ट लिव्ड और इस पोएम के अंदर जो पावर के बारे में पेल्फ के बारे में कूड़े करकट के बारे में ग्लोरी के बारे में और ग्रैंडियर भव्यता के बारे में है वो सभी कुछ समय के लिए हैं. दे ऑल आर शॉर्ट लिव्ड. द रेवेजेस ऑफ टाइम स्पेयर नन क्योंकि समय की जो मार है समय के आगे कुछ भी नहीं टिकता वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है. द किंग ऑज़िमेंडियास ड्रीम ऑफ डेजलिंग क्योंकि राजा का जो सपना ऑज़िमेंडियास का जो सपना था डेजलिंग का चमकदार एंड ओवरवेइंग द वर्ल्ड कि वो दुनिया में सबसे महान है विथ हिज अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी के साथ एंड फीट्स के साथ. ही लाइज शैटर्ड लेकिन आज वो शैटर्ड अवस्था में मौजूद है एंड बरीड इन द बाउंडलेस एंड बेयर सैंड और उस रेत में जो अनंतहीन है जो चारों तरफ रेत फैली हुई है उसमें आज बरीड हो चुका है. हु डिड द पोइट मीट पोइट किससे मिलता है कवि किससे मिलता है एंड व्हाट डिड ही टेल हिम और वो उसे क्या कहता है. द पोइट मीट अ ट्रेवलर कवि एक ट्रेवलर से मिलता है एक यात्री से मिलता है. ही हैड रिटर्न फ्रॉम एन एंशिएंट लैंड जो कि एंशिएंट लैंड से आया है. He told the poet of seeing two huge trunkless legs. और वो poet को बताता है कि उसने दो trunkless legs को देखा. Of stone, जो पत्थर के बने हुए थे. Standing in the desert, जो उस बड़े से रेगिस्तान में मौजूद थे. Near those legs, और उन पैरों के पास में ही a shattered face, एक चेहरा पड़ा हुआ था. Was lying half sunk, जो आधा रेत में दबा हुआ था. In the sand, the face of the broken statue showed signs of contempt. और उस आधे दबे हुए चेहरे पर कोल्ड कमांड मौजूद था एक ऐसा गुस्सा और एक ऐसी कमांड मौजूद थी जो कि अथॉरिटी को शो कर रहा था ऑन इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द पैशन दैट वाज स्टैम्प्ड ऑन द लाइफलेस स्टोन उस पैशंस के बारे में बताइए जो उस लाइफलेस स्टोन पर मौजूद था ऑफ द ब्रोकन स्टैच्यू ऑफ ऑज़िमेंडियास जो उस ऑज़िमेंडियास की मूर्ति के ऊपर मौजूद था टूटी हुई मूर्ति पर. The huge statue of Ozymandias lies shattered and sunk in the sand of the desert. वो बड़ी सी मूर्ति Ozymandias की आज shattered अवस्था में उस रेगिस्तान के अंदर मौजूद थी जिसमें उसका आधा चेहरा रेत में दबा हुआ था. But the art of the sculptor still survived. लेकिन जो आर्ट था जो sculptor का जो मूर्तिकार का कला थी वो आज भी मौजूद थी on the lifeless stone. उस लाइफलेस स्टोन पर उस जीवन विहीन पत्थर के ऊपर. ऑन हिज फेस देयर आर एक्सप्रेशन ऑफ स्कॉर्न और हॉस्टिलिटी उसके चेहरे के ऊपर स्कॉर्न और हॉस्टिलिटी के भाव मौजूद थे. द एक्सप्रेशन ऑफ कोल्ड अथॉरिटी इज क्लियरली विजिबल ऑन द फेस और उसके चेहरे के ऊपर साफ साफ उस कोल्ड हॉस्पिटलिटी और उस कोल्ड कमांड के भाव निहित थे. द लिप इज व्रिंकल उसके होंठों के ऊपर झुर्रियां थीं एंड रेज इन कंटेंप्ट और गुस्से से उठे हुए थे. इट लुक्ड एज इफ द मैन हुज स्टैच्यू इट वाज मेड वाज ड्रंक विद पावर ऐसा प्रतीत होता था जिसकी मूर्ति बनी हुई है वो काफी गुस्से से भरा हुआ है और अपनी ताकत के नशे में चूर है. पेल्फ एंड अथॉरिटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द वर्कमैनशिप ऑफ द स्कल्प्टर मूर्तिकार ने किस तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन किया है. हु मेड द ह्यूज स्टैच्यू ऑफ ऑज़िमेंडियास जिसने इस बड़ी सी मूर्ति को बनाया ऑज़िमेंडियास की. द स्कल्प्टर हु मेड दैट ह्यूज स्टैच्यू ऑफ ऑज़िमेंडियास सीम टू बी अ ग्रेट वर्कमैन जिस मूर्तिकार ने इस बड़ी सी मूर्ति को बनाया था ऑज़िमेंडियास की वो एक महान मूर्तिकार था. द क्वालिटी ऑफ हिज वर्कमैनशिप इज स्टिल लाइव क्योंकि उसके काम की उसकी कला की
जो क्वालिटी थी वो आज भी मौजूद थी। ऑन द फीचर एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, क्योंकि जो फीचर्स और जो एक्सप्रेशन उसने फेस पर दिए थे वो आज भी मौजूद थे ऑफ द स्टैच्यू। द रिंकल लिप एंड द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्कॉन, कंटेंप्ट एंड हॉस्टिलिटी टेल एवरीथिंग अबाउट द मैन, क्योंकि जो फीचर्स जो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे मौजूद थे वो उसके करेक्टर के बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके से स्कॉन कंटेंप्ट में था, एंड हॉस्टिलिटी वो बता रही थी कि उसका नेचर किस तरीके का है। दे क्लियरली टेल दैट द स्कल्प्टर हैड वेरी वेल रीड ऑल दो स्पेशन, ये मूर्ति साफ साफ जाहिर कर रही थी कि उस मूर्तिकार ने पूरी तरीके से उसके चरित्र को बाहर निकाला है। दैट अरोज इन ऑज़रमेंडियास हार्ट, जो ऑज़रमेंडियास के हृदय में मौजूद था। हिज हैंड स्टैम्प दोज फीलिंग्स एंड पैशन एग्जैक्टली एज ही सॉ देम ऑन द लाइफलेस स्टोन, और उसके सारे पैशन को उसकी सारी फीलिंग को उसने उस मूर्ति पर, उस पत्थर की मूर्ति पर शो किया था। Now the next question, what feelings does the partially destroyed statue of Ozymandias convey? कौन सी फीलिंग उस मूर्ति पर शो हो रही थी जो आधी टूटी हुई थी Ozymandias की? The partially destroyed statue of Ozymandias convey a definite message. ये आधी टूटी हुई मूर्ति जो थी एक मैसेज शो कर रही थी। All power, pelf and grandeur are a 9-day wonder. जितना भी पावर है, जितनी भी चमक है, वो केवल 9 दिनों तक ही, कुछ ही समय तक ही सीमित रहती है। The sickle of time spare none, क्योंकि जो समय का प्रहार है वो किसी को नहीं बख्शता। Ozymandias, the king of kings is no more, क्योंकि Ozymandias जो राजाओं का राजा था वो भी अब जीवित नहीं था। His statue lies broken, उसकी मूर्ति टूटी हुई अवस्था में मौजूद थी। एंड हाफ बरिड इन द सैंड, और आधा रेत में दबी हुई थी। हिज एरोगेंस एंड अथॉरिटी हैव बीन रिड्यूस, उसकी जो एरोगेंस थी, उसकी जो अथॉरिटी थी, वो सब खत्म हो गई टू डस्ट, क्योंकि वो सभी रेत में मिल गई थी। वंस अ माइटी किंग नाउ प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ डिके, एक राजा जो कभी महान था आज अपनी बुरी अवस्था में मौजूद था, पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, डिके हो चुका था। डिजेनरेशंस एंड डिग्रेशंस, जो पूरी तरीके से तबाह था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैंड दैट मोक देम एंड द हार्ट दैट फेड, हुज हैंड एंड हार्ट आर रेफर्ड इन हिज लाइन, व्हाई? जो हाथ मौजूद थे वो एक तरीके से मजाक उड़ा रहे थे, एंड हार्ट जो था वो फीड कर रहा था। Whose hand and heart are referred here? यहाँ किसके हाथ और किसके हार्ट को रेफर किया गया है in this line? And why? और क्यों? The above referred hand and heart are of the sculptor. यहाँ पर sculptor के हाथ और हार्ट को शो किया गया है। Who made this giant statue? जिसने ये बड़ी सी मूर्ति बनाई थी Ozymandias की। He was a seasoned artist. वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट था। He had imitated all those feelings which the face of Ozymandias had on it extremely well. और उसने बड़ी खूबसूरती के साथ वो सभी फीलिंग को शो किया था जो Ozymandias के चेहरे पर मौजूद थी। He very skillfully imprinted them on the stone. और उसने वो सभी फीलिंग को पूरी तरीके से उस पत्थर पर तराशा था। Those feelings that fed Ozymandias' heart found expression on the stone. और वो सारे के सारे फीलिंग्स आज उस पत्थर पर मौजूद थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ किंग Ozymandias डज द पोएम रिफ्लेक्ट, इस पोएम के माध्यम से Ozymandias की कौन सी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट किया गया है? द पोएम रिफ्लेक्ट्स दैट Ozymandias वाज अ मैन हु वाज ड्रंक विद पावर, इस पोएम में बताया गया है Ozymandias में कि वो किस तरीके से अपनी ताकत के नशे में चूर था। Pelf and authority. He had nothing but contempt for others. उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन दूसरों पर वो अधिकार करना चाहता था। He considered them just insignificant mortal, क्योंकि वो दूसरों को insignificant मानता था, तुच्छ मानता था। He claimed himself to be the king of king. वो अपने आप को राजाओं का राजा समझता था। He was mighty proud of his great work. उसे अपने महान कामों के ऊपर बहुत गर्व था। एंड वंडरफुल अचीवमेंट, और उन सभी अचीवमेंट्स पर जो उसने हासिल की थी, उन सभी उपलब्धियों पर उसे बहुत गर्व था।
ही थ्री अ चैलेंज टू ऑल द माइटी एंड पावरफुल पर्सन, और वो उन सभी बड़े राजाओं को पर ताकतवर राजाओं को चैलेंज करता था ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के, टू कंपेयर देमसेल्फ विद हिम, कि वो अपने आप को उसके साथ कंपेयर करें. दे वुड बी ओवरवेल्ड बाय हिज ग्रेट डीड्स एंड वर्क, वो सब उसके आगे तुच्छ थे. दे वुड फील सो इनसिग्निफिकेंट एंड बी इन डीप डिस्पेयर, वो सब उसके सामने तुच्छ प्रतीत होते हुए उदासी के भाव में रुक जाते. What message does the poem Ozymandias convey? इस poem Ozymandias में क्या message मिलता है? Through his famous sonnet Ozymandias, Shelley want to convey a definite message. Shelley इस poem Ozymandias के माध्यम से message देना चाहता है to humanity and his readers, मानवता को और उसके लोगों को. All powers, wealth, glory and grandeur are only a 9-day wonder. क्योंकि जितनी भी ताकत है, जितना भी ग्रैंडियोस है, जितना भी चमक धमक है, ये कुछ ही समय के लिए होती है. द रेविजेस ऑफ टाइम स्पेयर नन, क्योंकि समय का प्रहार किसी को बख्शता नहीं है, समय के आगे सभी तुच्छ है. नॉट इवन द लाइक ऑफ Ozymandias, यहाँ तक कि Ozymandias जैसा भी समय के आगे कुछ नहीं है. द किंग ऑफ किंग हु वॉन्टेड टू ओवरवेव लेजर मोटल्स विद हिज पावर, जो कि राजाओं का राजा था, वो दूसरे मोटल लोगों के ऊपर, जो दूसरे नश्वर थे, उनके ऊपर अपने पावर को और अपने अथॉरिटी को शो करता था. एंड अपनी ग्रेट अचीवमेंट के कारण आज शैटर्ड अवस्था में उस डेजर्ट में पड़ा हुआ था. इन द सैंड नथिंग रिमेन्स ऑफ हिज पावर, ग्लोरी एंड ग्रैंडियर, आज ना ही उसका पावर था, ना ही ग्लोरी था, और ना ही उसकी चमक धमक बाकी थी. Only boundless and bare sand, सिर्फ रेत ही रेत चारों तरफ मौजूद थी. Is seen all around his broken and shattered statue, उसकी टूटी हुई मूर्ति के आसपास, in the desert, उस रेगिस्तान में. Now the next question, describe the poetic device used by Shelley in Ozymandias. Poetic device Shelley ने अपनी poem में Ozymandias में कौन सा use किया है? Ozymandias is a very famous sonnet of P.B. Shelley. P.B. Shelley की सबसे फेमस पोयम में से Ozymandias भी एक है. इन द ऑक्टेव और इस सप्तक के अंदर ही डेवलप्स द आइडिया, एंड इन द सेटेस्ट और इसमें उसने अपने आइडियाज को शो किया है. ही रीचेस द कंक्लूजन और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा दैट द रेविजेस ऑफ टाइम स्पेयर नन, कि समय का प्रहार किसी को नहीं छोड़ता. द यूज ऑफ एलिट्रेशन और इसमें जो अनुप्रास अलंकार है heightened the poetic effect, उसने इसके poetic effect को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. Cold command, king of king, ये ऐसे words हैं जिसमें alliteration का प्रयोग है. Alliteration means अनुप्रास अलंकार. Boundless and bare etc. are some of the example of alliteration. The use of sandicoat, sandicoat का example, substitution of a part of a sand or whole is effectively used in the hand that mow them and the heart that fed. इन सभी के अंदर मेटाफर का यूज हुआ है, रूपक अलंकार का यूज हुआ है. लाइक द कोल्ड कमांड ऑल्सो एनरिच द पोइटिक इफेक्ट, और इस कोल्ड कमांड ने इस पोइटिक इफेक्ट को काफी बढ़ावा दिया है. नाउ द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द आयरनी इन द वर्ड्स, इन शब्दों में जो व्यंग है उसे निहित कीजिए. माई नेम इज Ozymandias, मेरा नाम Ozymandias है. King of King, मैं राजाओं का राजा हूँ. Look on my works, मेरे कामों को देखो. ये mighty, जो भी महान है, and despair, वो सभी निराश होंगे. As inscribed on the pedestal of the statue, जो कि pedestal पर लिखा हुआ है statue के. What lesson does this irony teach us? और इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्या irony हमें पता चलता है? Ozymandias seemed to be a typical disposed of an ancient land. Ozymandias एक ऐसी पोयम है जो एंशियंट लैंड से ली गई है. द अबोव वर्ड्स टेल अस, और ये ऊपर के शब्द हमें बताते हैं दैट द किंग कंसिडर्ड हिमसेल्फ फार अबोव देन ऑल अदर मोर्टल ऑफ हिज रेस, कि राजा अपने आप को उन सभी मोर्टल, उन सभी नश्वरों से ऊपर समझता है. ही लव टू कॉल हिमसेल्फ द किंग ऑफ किंग, वो अपने आप को राजाओं का राजा मानता है. ही वॉज ड्रंक विद पावर एंड अथॉरिटी, वो ताकत के नशे के चूर में है. ही हैड नथिंग बट स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड,
उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उपहास में वो कमांड करता है फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। ऑज़रमेंडियास वॉज प्राउड ऑफ हिज माइटी डीड्स, ऑज़रमेंडियास को अपने महान कार्यों पर गर्व है, एंड वंडरफुल अचीवमेंट, और उन महान उपलब्धियों पर जो उसने हासिल की। ही चैलेंज द माइटी एंड पावरफुल टू लुक अपॉन हिज मार्वलस फीस्ट, वो उन सभी महान राजाओं को चैलेंज करता है कि वो उसकी महान कामों को देखें। His glory and grandeur, उसकी ग्लोरी को, उसकी महानता को और उसके ग्रैंडियर को, उसकी चमक दमक को। Those who try to do so, और जो ऐसा करना चाहेंगे, only met with dismay and despair, वो केवल उदास ही होंगे। Ozymandias attempt to perpetuate, Ozymandias एक यादगार बनाना चाहता है, his memory, उसकी याद में, for the future generation, आने वाली generation के लिए। To prove only a false dream, जो कि एक सिर्फ सपन के समान है। द रेविजेस ऑफ टाइम रिड्यूस द सिंबल ऑफ हिज पावर एंड अथॉरिटी, क्योंकि समय का प्रहार उसके पावर को, उसकी अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी ग्लोरी और ग्रैंडियर ओनली टू द डस्ट, और वो सभी डस्ट में मिल जाते हैं, रेत में मिल जाते हैं। दिस इज द लेसन, और यही वो लेसन है दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ऑज़रमेंडियास, जो हम इस पोयम ऑज़रमेंडियास से सीखते हैं। फर्टाइल एफर्ट्स to immortalize himself and his memory, क्योंकि उसका जितना भी effort था वो सब futile साबित होता है, सब निष्कर्ष साबित होता है कि वो अपने आप को immortalize कर पाएगा, वो अपने आप को अमर बना पाएगा और अब यादों में ताज़ा रखेगा। The statue of the king of kings, Ozymandias, lies in pieces, क्योंकि जो मूर्ति बनाई थी Ozymandias की, वो आज हिस्सों में मौजूद है। And his shattered face half buried in the sand, और उसका टूटा हुआ चेहरा आज आधा रेत में दबा हुआ था। वी कैन फॉर्म अ क्लियर पिक्चर ऑफ Ozymandias, और इससे हमें साफ साफ उसकी तस्वीर दिखाई देती है Ozymandias की, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेवलर, जिस तरीके से यात्री ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया। एंड द वर्ड्स रिटन ऑन द पेडेस्टल, और वो शब्द जो पेडेस्टल पे लिखे हुए थे। ही एमर्ज एज अ पावर डेस्पोट, वो एक ताकतवर राजा था। ही वॉज हाईली कॉन्शियस ऑफ हिज पावर, और वो अपने पावर को के लेकर बहुत कॉन्शियस था, एंड पोजिशन, एंड प्लेस हिमसेल्फ फॉर अबोव ऑल अदर लेसर मॉर्टल, और वो अपने आप को उन सभी नश्वर लोगों से ऊंचा समझता था। सच एन अथॉरिटिव एंड प्राउड पर्सनैलिटी हैड नो रूम फॉर एनी सॉफ्ट माइल्डर एंड सेंसिटिव ह्यूमन फीलिंग, ऐसा ताकतवर और घमंडी इंसान, उसके अंदर कोई भी मानवता को लेकर जगह नहीं थी और उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ Ozymandias। इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।